अहमद भाई ने लहसुन का पेस्ट तो बना लिया, अभी अदरक डाल रहे हैं। ये जितने भी मसाला जाते हैं इसी तरह इन सभी का पेस्ट बनाया जाएगा। अच्छा, हम लोग ये इसके बाद सब्ज मिर्च है, टमाटर है, लेमन भी है। कैमरा मैन हमारा दिखाएं पानी की स्पीड इसमें। नेमत भाई देखिए हमारी आग हो गई है रेडी, तकरीबन बस 10 मिनट तक ये रेडी हो जाएगा हमारा। क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? आज वेलकम करते हैं अपने गुजराती फूड व्लॉग में। काफ़ी देर बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट व्लॉग। कुछ जॉब के इशू भी हैं, जॉब को भी साथ साथ देखना पड़ता है और आपके लिए व्लॉग भी बनाना पड़ता है। तो आज हमें टाइम मिला है तो हमने कहा चले अपने दोस्तों के साथ एक यूनिक सी रेसिपी शेयर करते हैं। आज हमने एक दाना लिया है फिश का, तो हम इसको स्टीम करेंगे, मसाला स्टीम इसको कहते हैं। ये अगर हमारे कैमरा मैन दिखाएँ, इस रेत में हम एक गड़ा खोदेंगे तो उसके अंदर हम कोले के साथ इसको एक स्टीम के साथ आपके साथ यूनिक सी रेसिपी शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और एंड तक देखिएगा और बताइएगा कैसी रेसिपी है, और आप नेक्स्ट हमें बताइएगा भी कि हम आगे नेक्स्ट आपके लिए क्या बनाएं। लें जी, अब हम दरिया के पास आ गए, पानी के पास। इधर ही बैठ के हम फिश को अब साफ़ करेंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। पहले इसको साफ़ करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमारी साफ हो गई है, ये देखें अंदर से भी बिल्कुल सारी साफ, इसका पेट भी चौक कर लिया हमने और बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। इसको हम जरा जवैन लगाएंगे स्मेल इसकी दूर करने के लिए। इसमें अभी ये लहसुन का पेस्ट तैयार किया जा रहा है, इसके बाद ये इसी तरह ये मिर्ची हैं और ये अदरक वगैरह, और इसके बाद जो मसाला जाते हैं वो ऐड किए जाएंगे इसमें। आप अदरक ये ट्रेन देखिएगा जी, ये वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बढ़िया है यार, क्या बात। इसके अंदर जो टाके हैं इसके अंदर इसको फिल करना, चलेंगे। अब हमारा मसाला हो गया, अब हम गड़े की तरफ चलते हैं। गड़ा को चलेंगे, इसको आप फॉइल में बंद करते हैं, उतारने बंद करते हैं। अहमद भाई देखिए हमारी आग हो गई है रेडी, तकरीबन बस 10 मिनट तक ये रेडी हो जाएगा हमारा। तो इसके बाद हम फिश को इसके ऊपर रखेंगे, ये छोटे छोटे स्टिक हैं इसके ऊपर ऐसे रखेंगे स्टैंड के लिए, ठीक है। इसको ऐसे ज़्यादा स्टैंड यूज करके इसको कवर कर देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें देखें हमारी फ़िश जो सी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, डिश आउट किया है इसे, और सब भाई देखिएगा और कमेंट्स में अभी हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, बाकी ताकि हमें पता चलता रहे कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, और नेक्स्ट क्या चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं वो बताइएगा ताकि हम लोग वही बनाएं। इधर बाकी हाँ जी हमजा भाई क्या कमेंट्स हैं आपके? नहीं जी अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मुझे भी है मछली। बड़ी कमाल की यार बाट साहब, यकीन करें। मुझे भी है। चलो मसाला कैसा है? फिश आप बताओ जी। क्या हूँ जिंदाबाद। कैसे करके बताओ? उस्मान मामू जिंदाबाद। उस्मान मामू जिंदाबाद। मजा आया फिश का? मसाला कैसा है? अच्छा है। ये रियली बहुत अच्छी फिश बनी है, बड़ा कमाल का मसाला है ये जो हमने अपने हाथ से बनाया था, बहुत अच्छा है। और इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें और हमें हौसला अफजाई करते रहें, और लाइक शेयर लाजमी कीजिए, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा।